हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लीजन ऑफ शानू के एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। सो चैप्टर बहुत दिन बाद आया है। आई थिंक लास्ट में क्या हुआ आपको पता ही है, फिर भी कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल दूं कि लास्ट चैप्टर के अंदर ये चर ने एविल एल्डर को मजा चखाया था और एल्डर का हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो चलो और बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर शुरू होता है उम्मीद और हैप्पीनेस को सिम्बलिज्म करते हुए सनलाइट से, और फिर नेक्स्ट सीन पर एविल एल्डर को वैसे ही जमीन पर देखने को मिलता है और चारों ओर लोग खड़ा होकर उस सिनारियों को देखकर बोलने लगते हैं, क्या सच में ये चन ने एंसेस्टर को हरा दिया? और ये तो सच में शॉकिंग है। तभी इंजीबिंग को देखने को मिलता है जहां वो बोलता है, मैं नहीं मानता क्योंकि एंसेस्टर क्वाशी स्काई रियल्म का पीक पर है, तो कोई सिक्स लेवल एम्प्टी एवेस रियल्म का उन्हें कैसे हरा सकता है। लेकिन अंदर से उसे भी पता है कि एल्डर का गेम ओवर हो चुका है। सो वो आगे रोने लगता है और बोलता है, दिस इज कम्प्लीटली ओवर। और तभी पता चलता है कि एल्डर इज नो मोर, बिकॉज सीनियर यंग आके एल्डर को कहता है, मास्टर मे यू रेस्ट इन पीस। और फिर सीनियर मास्टर को रिस्पेक्ट दिखाकर सबसे कहता है, मुझे पता है मास्टर ने बहुत गलत किया है, लेकिन वो मेरा मास्टर हुआ करता था, सो मैं उन्हें अच्छे से विदाई देना चाहता हूँ। चाहे ये चन कहता है, जबकि मैटर सेटल हो चुका है, सो मैं बाकी काम मैं मेरे सीनियर ब्रदर और सिस्टर को सौंपता हूँ। तभी ओल्ड मैन भी सीनियर यंग के बातों पर एग्री करके एल्डर को अच्छे से विदाई देने पर मान जाता है, जो सुनकर सीनियर सबको थैंक्स कहता है और एल्डर को उठा के वहाँ से जाने लगता है। और तभी प्रिजन पर कुछ लोगों को देखने को मिलता है जहाँ वो लोग बोलते हैं, हम लोग सच में हार गए। और फिर वो लोग सर पकड़ के रोने लगते हैं और कहते हैं, ये चन के साथ दुश्मनी मोड़ लेने का रिग्रेट है। और तभी एक डिसाइपल डर के मारे कहता है, अब क्या किया जाए। तभी एक प्रिजन का ओल्ड मैन कहता है कि जबकि टोंग शुआन हार गया, सो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हमें मार दिया जाएगा नहीं तो जिंदगी भर हमें कैद करके रखा जाएगा। तभी इंजीबिंग को देखने को मिलता है जहां सारे लोग चीख चीख कर कहते हैं, मार डालो उसे। तभी शॉट को जमीन पर रेंगते हुए लाके ये चन इंजीपिंग के ओर टांग कर बोलता है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, मींस दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। तभी शियोंग से लेकर बाकी डिसाइपल भी फायर होके बोलने लगते हैं, मार डालो उसे। तभी ये चन शॉट लेकर स्ट्राइक मार देता है और तभी इंजीपिंग नाना कह के चीखने लगता है, बट हमें उसके आग पर उसका मौत देखने को मिलता है। एंड फाइनली ये चन इंजीपिंग को मार डालता है, जिसके साथ इस ऑसम आर्क का द एंड होता है, क्योंकि उसके बाद नैरेटर बताता है कि फाइनली मास्टर टोंग शुआन और इंजीपिंग का रूल यहाँ उनके मौत के साथ खत्म हो गया। एंड उसके बाद यांग डांडियन और बाकी एल्डर मिलकर हैंगयो को पुराने जैसा बनाने में जी जान लगा देता है, और वो प्रोसेस बहुत स्मूथली चलता भी है। एंड सीन चेंज होता है और ये चन आसमान के ओर देख कर कहता है, मास्टर हैंगयो की वाई गोल्ड जो आपको बहुत पसंद है वो वापस आ गया, क्या मैं वो आपके पास लेकर आऊं? और तभी टांग खींचते हुए लिंगर आके कहती है, क्या आप अपने सिस्टर को याद कर रहे हो? चाहे ये चन कहता है, हाँ, और अगर मेरा बच चलता तो मैं अभी के अभी बेचू चला जाता मास्टर को ढूंढने। लेकिन तभी ये चन का लेकिन सुनकर लिंगर ये चन का सहारा बन जाती है और उसे कहती है, मैं सब कुछ समझती हूँ, हालांकि आपने हैंगयो को शांत किया, लेकिन एसासियन गॉड डायनेस्टी, घोस्ट क्लान, ब्लड क्लान और विचक्राफ्ट सेक्ट जैसे पावरफुल क्लान सभी इमर्ज हो चुकी है और हमें क्लोजली देख रहे हैं, और अभी सीनियर और बाकी भाइयों ने नेक्स्ट सेक्ट लीडर आपको चुना है चीफ कमांडर के तौर पे सबको सेफ रखने के लिए। सो तुम्हें नानचू को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिफाई करना होगा। और फिर लिंगर आगे इमोशनल होकर कह दिया, मैं समझ सकती हूँ सिस्टर को ढूंढना इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो जिम्मेदारी अभी आपके कंधे पर है वो सिस्टर को ढूंढने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी ये चन को लिंगर के बातों से बहुत ताकत मिलता है, सो वो उसे हग करके थैंक्स बोलता है। और फिर वो मन ही मन कहता है, मास्टर आप जहाँ भी हो हिम्मत से काम लेना, मैं आपको जरूर से हैंगयो वापस लेकर आऊंगा। और फिर सीन चेंज होता है और ये चन के लिए गजब का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि एक साल के अंदर ही ये चन इंटर डिसाइपल से सीधा सैक
लीडर पर प्रोमोट हुआ है, जो बात सीतुनान और श्योंग भी मेंशन करता है और साथ ही ये चेन के लिए सभी के सभी बहुत खुश है। और तभी एक सीनियर बोलता है, इस दौरान मैं ही था जो उसे डिफीट किया था। उतने में बाकी डिसाइपल उसे घूरने लगते हैं, लाइक कौन है तू, चाहे वो एम्ब्रेस होके कहता है ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी ये चेन को ऊपर आते हुए देखकर ओल्ड मैन सीनियर यांग को बोलता है, ये चेन को देखकर पास्ट याद आ गया जब तुम्हें हेडमास्टर चुना गया, जो सुन के सीनियर स्माइल के साथ कहता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम बूढ़े हो रहे हैं, आप यंग लोगों का वक्त है। तभी ये चेन ऊपर आके सबको ग्रीट करके कहता है, फाउंडिंग एंसेस्टर सीनियर मार्शल अंकल्स और आंट सबको मेरा सलाम। और तभी सीनियर यंग जो 8th जनरेशन का हेडमास्टर थे वो हेंगयो का शॉर्ट ऑर्डर ये चेन को सौंप देता है, जिसके साथ ये चेन 9th जनरेशन का सेक लीडर बन जाता है। और ओहदा सौंप कर मास्टर ये चेन को कहता है, मैं आशा करता हूँ तुम अपने हिसाब से सबको साथ लेके चलोगे और अपना ओरिजिनल इंटेंशन कभी नहीं भूलोगे और हेंगयो सेक को ऊंचाइयों पर ले जाओगे और हेंगयो एंसेस्टर का लॉन्ग चेरिश विश जो कि डाइचू को यूनिफाई करना उसे फुलफिल करोगे। तभी शॉर्ट ऑर्डर को हाथ में लेकर ये चेन कहता है अंडरस्टूड, और तभी सभी लोग सेक लीडर को ग्रीट करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है एंड कॉन्फ्रेंस हॉल देखने को मिलता है जहाँ सारे सीनियर इकट्ठा होते हैं, जहाँ कुछ फायर होकर बोलने लगते हैं, हम अभी कोई कदम क्यों नहीं उठाते, क्योंकि हमारे अभी के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम नानचू के हर फोर्स को मिटा सकते हैं। जहाँ कुछ और सीनियर उस बात पर हामी भरते हैं कि हाँ इस स्ट्रेंथ के साथ किसी को भी हराया जा सकता है, तो वो लोग अभी भी हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। तभी लीडर के नाते ये चेन सबको समझाता है कि हमारा गोल सिर्फ किंगयंग सेक्ट या फिर चेंगयंग सेक्ट ही नहीं बल्कि पूरा नानचू और डाचू भी है, सो किसी के साथ ऑल आउट बैटल पर अभी उतार के सेना को खोना सबसे बुरा ऑप्शन है, क्योंकि ये चेन बहुत ह्यूज कुछ करने वाला है और वो कुछ सोच रहा है। तभी सीनियर यांग भी उस ग्रुप में भी लाइक यप, अभी बाहरी दुनिया को मालूम नहीं है कि हमने हेंगयो को टेक ओवर कर लिया और उससे भी ऊपर यानहुआंग और हेंगयो अभी भी एक ही है, सो अगर हम हमारे मूव लेट से यूज करते हैं तो वो मूव यूजलेस हो सकता है। मतलब सारे लोग समझ रहे हैं कि ये चेन अभी भी यंग है, सो उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर सब डाउट कर रहे हैं। सो अभी ये चेन के ऊपर प्रेशर आ गया क्योंकि बाकी एंसेस्टर और सीनियर अंकल आंट को बहुत एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, और इसी कारण अभी ये चेन को एक खतरनाक प्लान लेके आना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। और फिर वही होने लगता है जो मैंने आपको अभी बताया, सभी लोग ये चेन को एक डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज करते हैं, लेकिन अपना ये चेन तो ये चेन है एंड ही बी लाइक प्रेशर जाए भार में, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए कहता है, एवरीवन मैं यानी ये चेन किसी से नहीं डरता, बात सिर्फ इतना है कि मुझे ये अनुमान है कि डाचू में जल्दी एक अवधपुर अराजकता फैल जाएगी और हमारे दुश्मन हमारी सोच से भी ज्यादा दुर्जय होंगे और वार आसान ना है, और शायद आप सभी के पास अभी भी अपने रक्षा करने की कुछ क्षमता है, लेकिन अपने बच्चों के बारे में क्या, जरा सी चूक और वो बन जाएंगे तोप का चारा, जो सुनकर एंसेस्टर बहुत इंप्रेस होता है और बोलता है सेक लीडर के बातें सेंस बना रहे हैं, और क्योंकि सारे ऑप्स एक्ट करना शुरू किया है तो एंशियंट फोर्सेस जैसे डीमन डोमेन विचक्राफ्ट क्लान शेडी अंडरवर्ल्ड यिन एंड यंग सेक लैंड डीमन और क्लान और सोल ईटिंग क्लान भी उत्तेजित हो रही है। और ये सुनकर ये चेन कहते हैं एग्जैक्टली, अभी सेक लीडर होने के नाते मैं सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन मुझे हेंगयो के हर डिसाइपल का सेफ्टी को मेरे कंधों पर है, उसे लेकर चलना ही होगा और उसे निभाना होगा, सो 90% श्योरिटी के बिना मैं अपने डिसाइपल को खतरे में नहीं डालूंगा। तभी एंसेस्टर ये चेन को ग्रीट करके कहता है, सेक मास्टर यू आर राइट, मैं अपने बातों को वापस लेता हूँ। तभी सीनियर यांग कहता है, सेक लीडर मुझे पता है आप ऐसे ही बैठे रहने वाला शख्स बिल्कुल भी नहीं हो, सो आपके पास कुछ तो प्लान है, सो वो हमें एक्सप्लेन करो, हम आपके साथ मरने दम तक नहीं छोड़ेंगे। चाहे ये चैप्टर खत्म होता है।